ये पपी फेस क्यों बना के रखा हुआ है? तू ना एक काम कर, तू जीजा जी को जाके मिलकर आ जा, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। तेरे जीजा जी की वजह से तो मूड की बैंड बजी पड़ी है मेरे। इलू यार, पहले ना तकरार फिर प्यार, ऐसे ही होता है फिल्मों में। हाँ, फिल्म ही दिखाने ले जा रही थी मैं, फिर ऊपर से उनका आता है कि अपनी पिंटू भाभी को ले जाओ। इलू, पिंटू भाभी के साथ ना मैं जाऊंगी फिल्म देखने। हाँ तो जाना, यही बोला था मैंने उनसे। लेकिन जिया जी ना आज के जमाने के ना पत्नी व्रता पति हैं, पल्लू ही नहीं छोड़ रहे अपनी बीवी का। और बीवी भी तो असली कहाँ है यार। इलू, यही तो सारी अच्छी बात है। इलू सेल्फी। सुनो यार, मुझे ना पक्का वाला यकीन हो गया है, मैं जीजा जी को ना बिल्कुल भी हॉट नहीं लगती हूँ। बड़ी बहनजी वाली फीलिंग देते हैं यार वो मुझे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। तू तो पागल पागल हो गई है क्या? अपने आपको देखा नहीं क्या कभी तूने? अपने बाल देखे, इतने सुंदर लहराती रेशमी जुल्फे है तेरी इलू, और अपने गाल देखे एकदम मतलब कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल, ब्लशर की भी जरूरत है तुझे तो। आंखों के बारे में पता चला। आंखें तो मतलब ना ऐसी कि टाइटैनिक भी डूब जाए उनमें फिर से। और फिगर के बारे में तो बताना। फिगर तो ना इलू ऐसी है कि जैसे किसी हीरोइन की दूर दूर तक हो ही ना। भगवान जी ने ना एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर नाप तो एक ही बनाया था। तू भी ना आज ही सारी नजरें मार देगी मुझे। जरा तू पहले नजर नहीं लगा कितने बातें कान। वैसे ना तू बड़ी कभी कभी प्यारी बातें कर जाती है ना। इलू सेल्फी। इलू तू ना देखती जा, ये जो है ना हाइड्रोजन की तपस्या वपस्या सारी भंग हो जानी है। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन मुझसे इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि मैं उनके मालिक की बेटी हूँ ना। तो अब क्या करेंगे? आइडिया। हाय, जा यार लाइट बंद कर दे प्लीज। अजी इतनी जल्दी क्या है लाइट बंद करने की? पहले ये तो बताइए क्या क्या किया आज आपने पूरे दिन? वो क्या है ना कि तुम मेरी बीवी नहीं हो जो मैं तुम्हें दिन रात के चिट्ठे दूं। जा लाइट बंद कर, हट। अरे भाई बता तो यार बात क्या है, ये सरासर मूलिया बैठा यार तू। कुछ नहीं यार, ये बाप बेटी ने परेशान करके रखा हुआ है। बाप जब देखो नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है, बेटी काम नहीं करने देती, समझ में नहीं आता करे भी तो क्या करे। जा यार तू लाइट बंद कर यार, इससे पहले कि वो चमकती हुई बिजली की तरह यहाँ टपके और कहें जीजा जी छत पर हैं। लो आ गई। नहीं जीजा जी कूद गए हैं, छत पे नहीं है। जीजा जी देखो प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए इलायची जी, हम नहीं खोल सकते, हम नहीं खोल सकते। क्यों भाई, ऐसा क्या कर रहे हो दोनों हैं? अरे अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब हम सो रहे हैं, शरीफ आदमी सोते हैं, बुबू भी सो गई है। पिंटू भाभी दरवाजा खोलो ना प्लीज। आया सुनीता। आई मैं, आई सुनीता जी। साले तेरे मुंह में बैंगन ठूसूंगा सुबह को। आई आई सुनीता जी, आई आइए। अरे बैठिए बैठिए। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इलायची जी आप कोई बवाल ही लेकर आई होंगी ना। बवाल तो मेरी जिंदगी में हो गया है जीजा जी। जीजा जी आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है उससे आप सबको शॉक लगे और शायद पहली बार में यकीन भी ना हो। ये जो आपके सेठ और सेठानी है ना, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है। आप भी ना इलायची जी अच्छा मजाक कर लेते हैं ना। मजाक तो मेरे साथ हुआ है, मेरी जिंदगी के साथ हुआ है जीजा जी। ना रो पगली ना रो, इतने बड़े बोझ के साथ कैसे जिएगी बेचारी। इधर हम एक सेल्फी ले लेते हैं, दर्द भरी। हाँ ले लो, बेटर फील होगा। इलो सेल्फी। जीजा जी इलू सच कह रही है, अंकल जी और आंटी जी ना इसके मम्मी पापा नहीं, मौसा मौसी है।
यकीन नहीं हो रहा है ना, मुझे भी नहीं हुआ था, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मुझे पता चला था कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोड़ के चले गए हरिद्वार। हे भगवान, इलायची जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे ठीक से पढ़ने तक नहीं दिया मौसा मौसी ने, क्योंकि मम्मी पापा की वसीयत में लिखा है कि पढ़ाई होते मेरी शादी कर देनी थी, लेकिन वो भी नहीं करी, क्योंकि शादी कर देंगे तो वसीयत के हिसाब से मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल जाएगी। क्या बात कर रही हैं इलायची जी आप? जीजाजी, मैं ना बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब जो होता ना चमकता हुआ तारा टाइप्स, बिल्कुल वैसी, और मेरे मेरे मौसा मौसी ने मुझे बुझावा दीपक बना दिया। हाँ, आपको पता है हमारी जो मैडम है ना, वो कहती थी कि इलू ना बड़ियों की बड़ी माल बड़ी कमाल निकलेगी। पहले तो उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, सारे सपने तोड़ दिए, उसके बाद मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। जी जी याद है, तभी तो वो आपके जो सेठ है ना मुरारी जी, उनके गले से थोड़े से पैसे उड़ा लेती हूँ बस कभी कभी। इलायची जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है इलायची जी, हमें जीजा जी आप पे बुरा ठीक कर सकते हैं, आप मेरे दुखों को खुशी में बदल सकते हैं। बताइए इलायची जी, हमें क्या करना है? हम आपकी मदद करेंगे, हम करेंगे आपकी मदद। जीजा जी, वसीयत में लिखा था कि शादी के बाद मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। हाँ। तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। देखिए इलायची जी, हमने बीवी रखा हुआ है। हमारा मतलब है कि बीवी है, बुबू बुबू बुबू। तलाक दे दीजिए ना। क्या जी? मेरे कहने का मतलब है इन्हें ना टेम्प्ररी तलाक दे दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए टेम्प्ररी। और फिर जब मुझे शादी होके सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो अब मुझे तलाक दे दीजिएगा परमानेंट, और पिंटू भाभी से शादी कर लीजिएगा फिर से परमानेंट। हाँ, सॉर्टेड। नॉट सॉर्टेड। देखिए इलायची जी, हमें ये बड़ी अजीब सी, मतलब हमें वक्त चाहिए। चाचा जी, मैं समझ सकती हूँ, इतना बड़ा डिसीजन है, वक्त तो चाहिए होगा। ठीक है, मैं आपको वक्त दूंगी, याद रखेंगे ना। बस कल तक का वक्त दे रहे हैं, कल तक बता देना प्लीज। चल सुनू, इलू सेल्फी। जीजा जी, भूलिएगा मत, मेरी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल जल्दी चल, मुझे जाने दे यहाँ से बस। बाय सुनीता जी, बाय। रुक लगा दे। कितनी कितनी दर्द भरी कहानी है ना इस लड़की की। अरे गेट से लगा दे, कोई टेम हो रहा है, सोना है। ले भाई पंचम, पी ले गर्मा गर्म चाय। अब ये डिब्बा बढ़ा इधर। बस बस बस, आराम से आराम से। चल पी चाय। अबे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतना उतरा हुआ है? कुछ नहीं यार, कल रात नींद ही नहीं आई। अबे नींद कहाँ से आएगी यार, बिस्तर में इतने खटमल जो हो रखे। तुझसे बोला सेठ जी से बोले गद्दा बदलवा ले, लेकिन तू सुनता ही नहीं। अब तेरी भी नींद कैसी तैसी हुई ना भाई। तू कितना घटिया आदमी है ना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी जिंदगी में क्या हो गया? कुछ नहीं यार, इलायची जी के बारे में सोच रहे थे। आए मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। शर्म नहीं आती आपको? घर में जवान बीवी के होते हुए आप पराई लड़कियों के बारे में सोचते फिरते हो। साले, तेरी तरह नहीं हूँ, जहाँ पे लड़की देखी वहाँ पे लाल टपका दी, भेड़िए। अच्छा,
अब तू जो रात भर लड़की के बारे में सोचता रहा तो क्या हरिद्वार जाके गंगा स्नान के सपने देख रहा था तू? बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर बस। अरे चाय पी ले भाई। तू समझ नहीं रहा यार पिंटू, मजाक की बात नहीं है। इलायची जी के बारे में सोच सोच के हमें बहुत बुरा लग रहा है यार। और इंसान वही है जो दूसरे इंसान की मदद करे, हमारी माँ एकदम सही कहती है। ₹5 बचे। किससे बात करता रहता है तू? किससे बात करता रहता है? ₹5 मैंने सभी कल ₹100 का भरवाया था, मार दूंगा तुझे। अम्मी को फोन कर रहा। हट। हेलो हेलो इलायची जी। जीजा जी हेलो। अब इलायची जी, हमने आपकी बातों पे विचार किया। अच्छा, सोचा आपने, फिर क्या तय किया आपने? इलायची जी, हमें लगता है कि आपकी कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। हाँ वो ठीक है, पर आपने तय क्या किया ये तो बता दो। जी इलायची जी, हमें लगता है कि आपकी जिंदगी में जीजाजी आप मदद करेंगे कि नहीं। जी 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 जी, हमने आपको यही बताने के लिए फोन किया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं इलायची जी। हाय, यही तो मैं कब से सुनना चाहती थी। इलायची जी क्या? जी जी वो मेरा मतलब है कि जी मैं कब से सुनना चाहती थी कि कोई मेरी मदद करे। अच्छा, सो यू नो, थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। वेलकम। ओके बाय। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। शादी हमें डर लग रहा है। यार ये तरीका है लहसा तय करने का, जो तू कर रहा था ना वो तरीका ना है। हाँ हाँ, आप जो करते हो तो हमेशा सही होता है। 19 साल से तो मैं यही कर रहा हूँ। अगर आपने सही किया होता ना तो आज जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं वो नहीं देखने पड़ते सेठ जी। अरे हो सकता है कभी थोड़ी बहुत लापरवाही हो गई हो। थोड़ी लापरवाही? सेठ जी आप नहीं जानते कि आपके किए के कारण कितना बुरा असर हो रहा है। अरे कान सी दिशा में उड़ रहा है तू, कहाँ निकल लिया? क्यों गरम तवे पे जो है खड़ी बिल्ली की तरह उछल रहा है? सेठ जी हम आपकी बड़ी इज्जत करते थे पर आप तो। अरे मैं क्या बे, मैं क्या बता रे, बता ना कौन से तेरे पजामे जो है लेकर चुरा के मैं भागे जा रहा हूँ, जो इज्जत ना करेगा आप तू। क्या भरोसा एक दिन आप आके हमारा पजामा भी चुरा ले? लालची तो मतलब उसूल कहाँ है आपके सेठ जी? तुम तू का उड़ रहा है ये तो मुझे ना मालूम, लेकिन ज्यादा उसूल पर चलने से ना कुछ हासिल ना होता, ये घर और ये दुकान ऐसी ना आ गए हवा में। अच्छा सेठ जी, ये घर और दुकान बनाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी, किसी भी हद तक जाएंगे? हाँ कुछ भी कर लूंगा। अरे दरोगा क्यों बनने आया तू, पूछताछ कर रहा है मुझसे बेकार में? पता नहीं क्यों सुबह सुबह एकदम तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया बेकार में। अच्छा कहा था छोटे ही दुकान में जा रहा था, दिमाग खराब कर दिया, सारा टाइम बर्बाद हो रहा मेरा। सुन कर ले चल, दिमाग ठंडा कर ले अपना, तीन की बातें कर रहा है, क्या उसूल क्या हासिल, कुछ ना मिलने वाला इससे। अबे छोटे सेठ जी। हाँ
तुम्हें एक बात पता चली? क्या? मैं ना अपने मोहल्ले की शीला भाभी। हाँ हाँ। अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, ऐसा धमाका कर गई मोहल्ले में, तुम सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अरे क्या कर गई ऐसा धमाका? अरे कुछ ना पूछो, भग गई। भग गई? अरे जिस उम्र में मतलब घुटने के दर्द से आदमी जो है दो कदम ना चल पाए, उस उम्र में भग ली वो? तुम समझे ना सेठ जी, कैसी करो। अरे असल में भगली का मतलब मेरा जी हो रहा है कि अपने पड़ोसी के साथ भगली। क्या बात कर रहा है? है? और क्या? लेकिन मैंने तो ये सुना था कि वो चार धाम की यात्रा पे जाने वाली है। सेठ जी धाम की यात्रा का तो पता ना मुझे। हाँ। लेकिन मोहल्ले में धमाका करके जरूर भग गई। तो छोटे के कितना कलयुग आ गया है ना, कैसा घोर कलयुग है ये। अरे कुछ ना कहो सेठ जी, असल में सुनने में जी आ रहा था। हाँ। ऐसी करी कि उसकी जो शादीशुदा लाइफ थी ना, उसकी जिंदगी में मतलब शादी की लाइफ में नमक कम हो गया था। अरे तुझे कैसे पता? अरे सेठ जी ऐसी करो मंडी। हाँ हाँ ठीक है। असल में क्या है, हाँ। ये इश्क की बातें हैं ना, हाँ। ये छुपाए नहीं छुपती। हाँ। असल में क्या है, हाँ। ये इश्क की बातें हैं ना, हाँ। ये छुपाए नहीं छुपती। हाँ। और तो और मुझे सुनने में जे भी आया है सेठ जी, हाँ। उसका जो पति था ना, हाँ। उसके लिए चिट्ठी भी लिख के चली गई। अच्छा? अरे क्या लिखा, मतलब माफी वाफी मांगी है क्या उसने? अरे माफी वो मांगेगी, हाँ। वो मोहल्ले की खिलाड़न थी, खिलाड़न। ओहो। वो साफ साफ लिख गई। हाँ। हाथ करो ऐसे। हाँ। वो साफ साफ लिख गई, कहने लगी जी देख लो, जी देखो सेठ जी, हाँ। जी स्टाइल मैंने दिए से सुबह सुबह आया था, कहा जा रहे हैं मुर्गा स्टाइल दिया तूने। लेकिन एक बात, तू तो झुका जा रहा, मैं उसके बगल में घुसे जा रहा हूँ यार। अरे रुको, तो ऐसी करो, हाँ। लिखिए साफ साफ गई पूज्यपति जी, हाँ। मैं तुमसे कहने लगी परेशान हो गई हूँ। अच्छा? पक गई हूँ। हाँ। जो बातें सही है ना इतना, हाँ। जो बातें तुम्हारी पहले मुझे दिल को लुभाती थी, हाँ। तुम में से गुलाब की खुशबू आती थी, हाँ। आज तुम नजदीक आते हो तो कहने लगी कि खांसी की दवा की बदबू आती है तुम में। और कहने लगी तुम्हारी जो बातें पहले कविता सी लगती थी, हाँ। दिल को लुभाती थी, हाँ। कहने लगी आज वही बातें मुझे तुम्हारी भजन सी लगती हैं। पक गई ना। कहने लगी सेठ जी, हाँ। कि जब तुम पहले अपनी जुल्फें झटकाती थी ना, हाँ। तो दिल मचल जाता था मेरा। अच्छा? लेकिन आज आज उसी खोपड़ी में 14 बाल खड़े हैं। और वो गन्ने की तरह खड़े हैं। एक बात है छोटे, बहुत गलत बात है ये, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अरे कुछ गलत बात ना सेठ जी, असल में हर शादीशुदा आदमी की यही तो चिंता है, उसको यही टेंशन लगी रहती है कि गृहस्थी में नमक ना कम पड़ जाए, नमक ना कम पड़ जाए। क्योंकि तुम्हें फिर पता है एक बार सेठ जी खिचड़ी अगर, अरे कहाँ जा रही तुम, सीधे बैठो ना, हाँ। गर्दन टूट जाएगी, हाँ। सेठ जी अगर एक बार शादीशुदा लाइफ में नमक कम पड़ गया ना, मतलब खिचड़ी ठंडी हो गई, तो कोई भी मोहल्ले का कुत्ता चढ़ जाता है। लेकिन तू सब ये मुझे क्यों सुना रहा है? ना ना सेठ जी, मैं सुना ना रहा हूँ, हाँ। असल में मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समय रहते तुम भी अपनी गृहस्थी में नमक डाल लो। कुछ ऐसा कर दो सेठ जी कि सेठानी जो है ना तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाए, बिल्कुल पास में तुम्हारी बैठी रहे, वरना तो तुम्हें पता ही है ना एक बार खिचड़ी ठंडी हो गई तो। सही कह रहा है तू, सही कह रहा है छोटे। तो फिर ये बताओ सेठ जी, इसी बात पे कर दूं बढ़िया सी मसाज, उसके बाद बढ़िया सा फेशियल, चमक जाओगे एकदम चंदा मामा की तरह। अच्छा? हाँ कर दे कर दे कर दे, हैं? हाँ हाँ। और फिर उसके बाद बगल के बना दूं? तूने देखा? बट फालतू की बातें कर रही है। और इलायची कैसी है? हट! ललित अंकल सब याद है ना? यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स यार। चीचा
चिचा बोलू सर तो फैल मत पर जितना बोला उतना ही करना ठीक है हिलू सेल्फी तू घुस जा पहले बीच मैं बुलाती हूँ जीजाजी छत पर है जी लाइची जी जीजाजी छत पर है कहाँ पे जाएंगे आप बताइए अंदर आइए नहीं नहीं जीजाजी वो ना मैं नहीं लेकर आई हूँ आपके और पिंटू भाभी की तलाक के लिए अच्छा अच्छा जी नमस्ते आप सॉरी अब लगा भाई साहब आपको कहीं देखा है